कितने रोज हो गए इसको टायर को मोड़ोगे? 2-3 महीने हुए। चलो बहुत बढ़िया रहा, घंटे आ गए। अच्छा, इसका एक्सरे करवाया था आपने? नहीं, अभी आपके पास है ना। वैसे तो ये पैर मुड़ा ही है, जिसको अपन मोची कहेंगे। ये हो सकता है कि सीढ़ी उतरना चढ़ना रहा है। कैसे मुड़ गया था पैर? बाथरूम में स्लिप होके पैर मुड़ गया है। हल्का सा अभी इस पैर को मोड़ लो, आप घुटना मोड़िएगा, ऐसे रखिए इस पैर को। ये एक तो सॉफ्ट ट्यूसिस इंजरी है, जिसको अपने बोलते हैं लिगामेंट फट जाना, मांस फटना, मतलब अपनी शुद्ध भाषा में कहें तो मांस फटना ही बोलते हैं। हल्का सा ऐसे रखो। तो अभी जयपुर से क्या ट्रेन से आए या अपन बस से? भाई कार आए, कार से आए। अभी होती कोशिश है तो इनको आगे वाली सीट पे पैर को सीधा रख के थोड़ा सा ले जाएगा। अगर पीछे वाली सीट पे अगर कम सवारी है आपके, तो आप इनको पैर ऊंचा रख लेना ताकि इनके स्वेलिंग नहीं आवे। और फिर भी अपन एक सेफ्टी के लिए एक्सरे तो करवा लेंगे। हाँ, इस वाले हाथ को भारी इधर रखिएगा आप, जरा उस पे पेपर पे रिलैक्स। फ्री बस, शाबाश। थोड़े से हल्के से पीछे फंस गया आप जरा, और पीछे और पीछे बस। हल्का सा माइनर आ भी सकता है, हालांकि है तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि अपने मिलने जुलने वाले होते हैं तो वो अपने को डिप्रेशन दे देते हैं कि आप एक्सरे तो करवा लो। तो अपन पहले ही सेफ्टी बोर्ड रख लेते हैं, हमें एक्सरे करवा लो। हालांकि फ्रैक्चर नहीं है, 100% नहीं है, क्योंकि अगर फ्रैक्चर होता तो मैं तुरंत बोल के पहले अभी सबके एक्सरे करवाए नहीं अपन, तो मैं आपको भी इतनी दूर से आप आए चला के सो गए मैडम। तो हाँ, लेकिन फिर भी करवाएंगे अपन एक्सरे, फ्रैक्चर नहीं, ये तो 100% श्योरिटी है। थोड़ा सा पानी पिलाओ, अब आप ना ऐसे लेट जाओ। हाँ, लेट आ दो इनको, है ना, लेट जाओ अभी, लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ, अब आप ना लेट जाओ, ऐसे लेट जाओ, रिलैक्स बिल्कुल। हाँ, इतना सफा लंबा करके आए ना, तो उससे भी थोड़ा सारे रास्ते के अंदर थोड़ा डिप्रेशन में भी रहे कि बोले मेरी हड्डी टूट तो नहीं गई। कॉफी क्या थोड़ी, कुछ भीड़ भी ज्यादा होने की वजह से आदमी क्या घबरा जाता है। ये मेडिकल बार है रोड पे या? हाँ जी, ये बाहर निकल के सामने से ली। बोलो बताओ, कितने रोज की? अभी आपकी दवाइयाँ 3 दिन की दवाइयाँ लिखी है मेरे, 3 दिन दवाइयाँ ले लीजिएगा। वैसे हड्डी बैठ गई है, ये क्या है, छोटी वाली हड्डी होती है बड़ी टीबिया और छोटी फिबुला, तो फिबुला वाली हड्डी अपनी जगह से आउट हो जाती है। कॉमन स्प्रेन। हाँ जी, बड़ी हड्डी का नाम होता है टीबिया, छोटी का फिबुला होता है, तो फिबुला वाली हड्डी हल्का सा अपने के छोड़ देती है, तो उसकी वजह से इसको अपन मोच ही कहते हैं। डिसलोकेट हो गई है। हाँ,
बैठना चाहे तो बैठ सकते हैं, लेटना चाहे हाँ परी करी परी करी परी करी आपके भी पैर में क्या हो गया? मुझे भी बॉल लगी है दीवार से पूछा था ना। हाँ जी पांचवे था तो उसके एकदम से एडी वगैरह आ गया, तो एक्सरे करवाया था विक्टोरिया में दिखाया था। हाँ, तो उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है, वो ट्यूब बांध कर गर्म पट्टी का दिया था और उससे दो दिन हो गए मेरे को सर नहीं पड़ा, चलना नहीं आ रहा। सुनीता हो गए हैं, पारस जी पुष्कर, अमन सिंह 10 नंबर, अमन आप है 10 नंबर। हल्का सा ऐसे प्रेशर लेके आते हैं आप अपने पैर को, कुछ दवाई वगैरह दी अपन ने? कुछ भी नहीं दिया। ठीक है। अच्छा और कोई बीपी शुगर वगैरह की दवाई तो नहीं चलती है? एक्सरे की भी लिख देता हूँ, एक्सरे भी आपने करवा लीजिएगा। हेलो लेफ्ट वाला पार्ट में ना पहुंच होने करो तो वो करो तो नहीं सुनील क्या होता है देखिए हाँ दर्द की जीरोडोल एसपी है, सेरासेप्टिन पैरासिटामोल जो सूजन दर्द के काम करती है, B1, B12, B-complex है, एक एंटी एमोक्सिक्लिन है, तीनों गोली संग में सुबह शाम दिन में दो बार है और एक्सरे भी करवा के आपने मुझे दिखा दीजिएगा। हाँ ये जैसे आप बाहर निकलेंगे सत्यम वाला है, एक्सरे बाहर निकलते मेन रोड पे है लीजिएगा। हाँ बस अंदर ही ट्रेन है ना आपके पास, अभी लो अंदर ही आ रहा हूँ।